सो गाइज वेलकम टू प्ले कंसोल। आज के वीडियो में बात करेंगे असेंस किड वर्सेस प्रिंस ऑफ पर्शिया के बारे में, क्योंकि दोनों ही यूबीसॉफ्ट का काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है। इन दोनों में से कौन सा गेम ज्यादा बेटर है और कौन सा गेम आपको परचेस पहले करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि असेंस किड की वजह से प्रिंस ऑफ पर्शिया का प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा लो हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक फेयर कंपैरिजन बताऊंगा दोनों गेम का और मैं इसमें अपना ओपिनियन भी दूंगा आपको। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग सारी गेमिंग न्यूज और गेमिंग रिव्यूज रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मोस्ट ऑफ द पीपल ने असेंस क्रीड और प्रिंस ऑफ पर्शिया दोनों ही गेम खेला होगा। दोनों ही हालांकि एक ही कंपनी का गेम है जिसका नाम है यूबीसॉफ्ट, और यूबीसॉफ्ट का जो ये फंडामेंटल गेम है इसी से यूबीसॉफ्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। बैक इन द डे जब यूबीसॉफ्ट के पास असेंस क्रीड नहीं था तो यूबीसॉफ्ट ने प्रिंस ऑफ पर्शिया को लॉन्च किया था और उसी से यूबीसॉफ्ट की जो फंडामेंटल पॉपुलरिटी है वो इंक्रीज हुई थी। लेकिन असल में दोनों गेम्स का कंपैरिजन है क्या, क्यों लोग कहते हैं कि असेंस क्रीड की वजह से प्रिंस ऑफ पर्शिया पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो ऐसा कहने का रीजन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रिंस ऑफ पर्शिया के थोड़ी डिटेल्स के बारे में। प्रिंस ऑफ पर्शिया जो था वो यूबीसॉफ्ट की तरफ से नहीं बनाया गया था। जब प्रिंस ऑफ पर्शिया पहले लॉन्च होता था तो वो यूबीसॉफ्ट के अंडर नहीं होता था, उसे बॉर्डरलैंड डेवलपर्स बनाते थे, यानी कि बॉर्डरलैंड स्टूडियोज जो है प्रिंस ऑफ पर्शिया को बनाती थी। बट इन 2003 प्रिंस ऑफ पर्शिया का राइट्स यूबीसॉफ्ट के पास आ गया और यूबीसॉफ्ट ने अपना पहला प्रिंस ऑफ पर्शिया का गेम बनाया जिसका नाम था सैंड ऑफ टाइम, जिसका रीमेक अभी 2021 में भी आने वाला है। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट था यूबीसॉफ्ट की तरफ से प्रिंस ऑफ पर्शिया का, और इसी से प्रिंस ऑफ पर्शिया काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। हालांकि प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम बहुत पहले से आ रहा है, बॉर्डरलैंड स्टूडियोज काफी टाइम से गेम बना रही थी बट उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था ये गेम। लेकिन यूबीसॉफ्ट के राइट्स लेने के बाद ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है और सैंड ऑफ टाइम जो था वो मेन रीजन था इसकी पॉपुलरिटी का, क्योंकि उसमें नया गेमप्ले, नई कहानी, सब कुछ नया, एक तरीके से वो टोटली रिबूट गेम था। तो इसीलिए प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड ऑफ टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और जहां तक असेंस क्रीड के बारे में बात है, असेंस क्रीड ने फर्स्ट डेब्यूट किया था 2007 में प्लेस्टेशन 3 और एक्सबॉक्स 360 के एरा के टाइम पे, और अपने टाइम का वो सबसे पॉपुलर गेम है। यहाँ पे अगर बेसिकली जॉनरे के बारे में बात की जाए तो जॉनरे में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों गेम में, दोनों ही एक्शन एडवेंचर गेम है। बट यहाँ पे असेंस क्रीड में स्टिल गेम भी कहा जाता है उसे, क्योंकि उसमें स्टिल किल काफी ज्यादा दिया गया है जो कि प्रिंस ऑफ पर्शिया में बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंस ऑफ पर्शिया एक कॉम्बैट गेम है विद डिसेंट स्टोरी लाइन। तो जॉनरे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि उसमें स्टेल्थ मोड भी ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है प्रिंस ऑफ पर्शिया पर असेंस क्रीड को लेकर वो है असेंस क्रीड का ओपन वर्ल्ड लोकेशन, जो कि प्रिंस ऑफ पर्शिया में नहीं था। असेंस क्रीड में आपको एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ लोकेशंस दिए गए हैं, वैरायटी ऑफ लोकेशंस है एक्सप्लोर करने के लिए, बट प्रिंस ऑफ पर्शिया में स्टोरी वाइज जो भी लोकेशंस आएंगे आप उन लोकेशंस में गेम्स को खेल सकते हैं बट वो ओपन वर्ल्ड नहीं है। लेकिन असेंस क्रीड 2007 में जब आया तो वो एक ओपन वर्ल्ड स्टेल गेम भी था, तो इसीलिए लोगों ने और भी ज्यादा उसे पसंद किया क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टेल्थ और ओपन वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन देखा था। क्योंकि पहले वो लोग पर्शिया खेलते थे, अब अचानक से इतना जबरदस्त गेम आने से काफी ज्यादा लोग जो है शिफ्ट हो गए थे। बट यहाँ पे असेंस क्रीड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है प्रिंस ऑफ पर्शिया के ऊपर। बहुत लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट पड़ा है लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रिंस ऑफ पर्शिया चल रहा था उसके बाद असेंस क्रीड का सीरीज जो लॉन्च हुआ 2007 में, फर्स्ट असेंस क्रीड लॉन्च हुआ, उसके बाद भी प्रिंस ऑफ पर्शिया का काफी गेम आया। यहाँ पे प्रिंस ऑफ पर्शिया 2008 में भी एक गेम आया जो कि एक एक्स्ट्रा पार्ट था, प्लेशन 3 पे आया था और मेन स्टोरी लाइन से उसका कोई भी लेना देना नहीं था, तो वो एक एक्स्ट्रा पार्ट था प्रिंस ऑफ पर्शिया का। बट वो आफ्टर असेंस क्रीड 2007 के बाद लॉन्च हुआ और उसके बाद उन्होंने प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगॉटन सैंड लॉन्च किया जो कि 2010 में आया था, और असेंस क्रीड 2 भी उसी टाइम लॉन्च हुआ था। तो एक टाइम ऐसा था कि असेंस क्रीड और प्रिंस ऑफ पर्शिया दोनों साथ में चल रहे थे फॉरगॉटन सैंड्स तक, लेकिन फॉरगॉटन सैंड्स के बाद से प्रिंस ऑफ पर्शिया कोई भी पार्ट हमें देखने को नहीं मिला। एक पार्ट आने वाला था बट वो कैंसिल हो चुका था जिसका नाम था प्रिंस ऑफ पर्शिया रिडेम्पशन। अगर आपको नहीं पता कि वो गेम कैंसिल क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो कोई मेजर इम्पैक्ट जो था वो असेंस क्रीड का नहीं पड़ा था पर्शिया के ऊपर। पर्शिया का प्रोडक्शन दूसरी वजह से बन हुआ था। अब यूबीसॉफ्ट का ये इंटरनल मैटर था कि क्यों प्रिंस ऑफ पर्शिया को काफी टाइम तक नहीं लाया गया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रिंस ऑफ पर्शिया कभी बन नहीं होगा यूबीसॉफ्ट की तरफ से, क्योंकि यूबीसॉफ्ट का वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और काफी पॉपुलर गेम है। असेंस क्रीड से उसकी कंपैरिजन करना काफी यूजलेस है। बट एक चीज शायद आपने नोट की होगी, प्रिंस ऑफ पर्शिया और असेंस क्रीड दोनों ही यूबीसॉफ्ट के गेम हैं, और बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो प्लेस्टेशन के गेम्स हैं, नॉटी डॉग के गेम्स हैं। लाइक नॉटी डॉग का एग्जांपल ले लें, नॉटी डॉग का यहाँ पे लास्ट ऑफ अस भी है और अनचार्टेड भी है, बट यहाँ पे दोनों को कंपेयर नहीं किया जाता है ज्यादा। दोनों ही गेम अपने आप में पॉपुलर हैं और दोनों ही काफी ज्यादा सही चल रहे हैं, बट यहाँ पे प्रिंस ऑफ पर्शिया और असेंस क्रीड को क्यों इतना ज्यादा
कंपेयर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसका रीजन है, लोगों को ये लगता है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया का प्रोडक्शन असंस्क्रेट की वजह से बंद हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता काफी ज्यादा सही है। हाँ, इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन उस लेवल का नहीं पड़ा है। अगर यूबीसॉफ्ट असंस्क्रेट के फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना चाहती तो वो इस बार प्रिंस ऑफ पर्शिया का रीमेक नहीं लाती। रीमेक लाने का मतलब है काफी लंबा प्लान है, फ्यूचर में प्रिंस ऑफ पर्शिया के और भी 2-3 पार्ट आ सकते हैं, रीमेक या रिबूट आ सकते हैं। तो अभी काफी ज्यादा लंबा प्लान है प्रिंस ऑफ पर्शिया को लेकर, तो मुझे नहीं लगता प्रिंस ऑफ पर्शिया प्रोडक्शन का ही बन होगा। और यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस के बारे में बात की जाए प्रिंस ऑफ पर्शिया और असेंस किट को लेकर, तो ये है उनका गेम प्ले। क्योंकि स्टोरी लाइन तो हमें पता है डिफरेंस है, लेकिन गेम प्ले जो है वो बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस है उसमें। प्रिंस ऑफ पर्शिया की अपनी एबिलिटी है, वो है प्रिंस ऑफ पर्शिया का जो गेम है वो टोटली टाइम के ऊपर बेस्ड है, विच मीन के टाइम के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। टाइम को फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, टाइम के थ्रू आप एनिमी को डिफीट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल जो गेम है वो टाइम के ऊपर बेस्ड है, और असेंस किट जो है वो काफी ज्यादा स्टेल्थ के ऊपर बेस्ड है। तो दोनों ही गेम का गेम प्ले का जो मैकेनिक्स है वो टोटली डिफरेंट है। असेंस किट में आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते जो पर्शिया में कर सकते हैं, लाइक पर्शियन स्टाइल वॉल क्रॉलिंग या फिर वॉल रनिंग, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं असेंस किट में, बट पर्शिया में कर सकते हैं। तो पर्शिया की अपनी एबिलिटी है, बहुत सारे अच्छे गेम प्ले रूल्स हैं पर्शिया में जो असेंस किट में नहीं मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर दोनों गेम साथ में लॉन्च होता है तो आपको कोई एक परचेस करना चाहिए। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप दोनों ही गेम परचेस करें, क्योंकि दोनों ही टोटली डिफरेंट है। भले ही यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपैरिजन निकल के आती है, बट ऐसा नहीं है। यूबीसॉफ्ट प्रिंस ऑफ पर्शिया और असेंस किट दोनों फ्रेंचाइज को साथ में लेकर ही चलेगा, और ये यूबीसॉफ्ट का डिसीजन था कि उन्होंने प्रिंस ऑफ पर्शिया को रीमेक किया है। अब तो लीक्स ये भी निकल के आ रही है कि नेक्स्ट असेंस किट का पार्ट भी प्रोडक्शन में है। तो अभी बहुत सारे गेम जो है यूबीसॉफ्ट की तरफ से आने वाले हैं, और यूबीसॉफ्ट कोई छोटा मोटा स्टूडियो नहीं है, एक ट्रिपल स्टूडियो है। तो जाहिर सी बात है वो अपना आईपी जो है न्यू आईपी वो और भी ज्यादा एक्सपेंड करेगा। बट दोनों ही गेम आपस में इक्वल हैं, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है दोनों गेम्स के बारे में, दोनों में से कौन सा गेम आपको ज्यादा पसंद है, और आप यूबीसॉफ्ट से नेक्स्ट गेम क्या चाहते हैं, न्यू असेंस किट या न्यू प्रिंस ऑफ पर्शिया। तो आप मुझे कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर दें। और मैंने जो ये कंपैरिजन किया है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मैंने उस टाइप का कंपैरिजन नहीं किया है जैसे अदर लोगों ने यूट्यूब पे किया है, लाइक उसके पास इतने वेपन है, एसजीओ के पास इतने वेपन है, प्रिंस के पास इतने वेपन है। तो उस टाइप का मैंने कंपैरिजन नहीं किया है, मैंने फैक्ट वाला कंपैरिजन किया है, और मैंने आपको फैक्ट में बताया है कि ये गेम जो है क्यों कंपटीशन होता है इनके बीच। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग सारी गेमिंग न्यूज़ और गेमिंग रिव्यूज़ रिलेटेड वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होता है तो मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।